अनेक जिलों से जो आंगनवाड़ी सेविका दीदी जो हैं धरने पे आई हुई हैं, और आपको मालूम ही होगा कि ये प्रदेश में या देश में हर राज्य में जिलों में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे बीमारी भी कोई चलती है तो उस दौरान भी टीकाकरण में इनका सहयोग होता है। कोरोना काल में भी इन्होंने कहीं ना कहीं देश और प्रदेश को सहयोग किया। 3 से 5 साल के बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती हैं, एक हिसाब से कहें टीचर का भी काम करते हैं। दूसरा काम कहें, जब भी देश में जनगणना होती है तो जनगणना में भी ये भाग लेती हैं। तो कुछ मांगों को लेके ये इको गार्डन में आए हुए हैं। 2 दिन का इनका धरना है। जो इनका कहना है कि बहुत से प्रदेशों में ये चीज़ें मान दी गई समान कार्य समान वेतन से रिलेटेड। अब इसी कड़ी में इनसे हम जानते हैं कि इनके क्या प्रमुख मांगे हैं और इनके कार्य के बारे में कुछ प्रमुख तौर पे हमने आपको बता दिया है। आपका नाम? भैया मेरा नाम ब्रिजकांति सिंह है, हम गोरखपुर से हैं। और ये एजुकेटर की भर्ती की विज्ञप्ति निकली हुई है और लोग ऑनलाइन फॉर्म ही भर रहे हैं, अभी नियुक्ति नहीं हुई है। 24 तारीख को विज्ञप्ति निकली, 29 तारीख से ही हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आप भी फॉर्म भर दीजिए ना। नहीं तो बस आप नहीं समझ रहे ना सरकार की नीति को। अगर हमको ही उसमें लेना रहता तो ये क्राइटेरिया गृह विज्ञान का क्यों लगा था? उसको पता है कि सारी आंगनबाड़ियाँ सुसला जी से पड़ी हुई हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर करने के लिए सुसला जी कंपलसरी कर दिए थे। तो हम लोग सब लोग सुसला जी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान पढ़िए, बालकों के बारे में पढ़िए, सुसला जी पढ़िए। अब क्या कर दिए कि जो एजुकेटर बनेंगे वो होम साइंस से आएंगे, ठीक, पात्रा ही बदल दिए हैं ये। ना तो सुपरवाइजर में हमको कर रहे हैं, ना तो वेतन ही बढ़ा रहे हैं, और ना तो एजुकेटर जो लिया उसमें भी हम नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो एज भी नहीं हमारी, और वो जो रख दिए हैं क्वालिफिकेशन की गृह विज्ञान से होना चाहिए बीए, तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो जो मेरा मूल काम था, मैं बच्चों को पढ़ाना, सब लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाती है साला पूर्व। प्री प्राइमरी टीचर? हाँ, प्री प्राइमरी टीचर है, क्योंकि हमको उसका टीसीसी ट्रेनिंग भी बहुत सारा दे चुके हैं कि आपको प्री प्राइमरी से जोड़ दिया जा रहा है, आप प्री प्राइमरी टीचर बन गए। लेकिन क्षेत्र का काम, ये काम वो काम, ठीक है, लेकिन सब मैनेज कर रहे थे हम। मेरा काम, मूल काम तो मेरा आंगनबाड़ी का है, बच्चों को पढ़ाना, ठीक, साला पूर्व शिक्षा देना। तो जब वो काम हम कर ही रहे थे तो फिर एजुकेटर की जरूरत कैसे आ गई आपको? क्यों एजुकेटर ला के रख दिए? एजुकेटर 2 घंटे पढ़ाएगा, उसको आप 10,313 रुपए दे रहे हैं, और हम फील्ड में भी काम करें और 6 सेवाएं जो देते हैं ICDS की वो भी दे रहे हैं। और जरा 6 सेवाओं के बारे में बताइए, बच्चों को पढ़ाने के अलावा, गर्भवती महिला के अलावा, इन 2 काम के अलावा सारे काम के नहीं, क्या क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए जब पहली बार औरत गर्भवती होती तब से लेकर के उसके जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, फिर वो बच्चा 7 माह से 3 वर्ष में जाता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष में जाता है, उसको मतलब 6 वर्ष तक हमारी निगरानी में रहता है, उसका टीकाकरण, उसका कुपोषण, उसका न्यूट्रिशन, उसका मतलब वजन लंबाई, वो क्या है, उसके घर के कैसे परिवेश है, वातावरण, सब कुछ हमको देखना है। एक बच्चा मेरा सही रहे 6 साल तक हम उसको देखते हैं, फिर प्राइमरी में उसको बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, एक में कक्षा 1 में हम ही भेजते हैं उसको सिखा पढ़ा के। तो कुपोषण की क्या स्थिति है भारत में? भारत में कुपोषण तो मुक्त होने वाला ही है, बहुत ही कम परसेंट होने वाला है, होने वाला है, और हम लोगों की वजह से ही हो रहा है, बहुत कुछ ही परसेंट। जैसे पोलियो मुक्त हम लोगों ने भारत को बनाया, वैसे को इसके अलावा आपके और कार्य क्या क्या? और काम क्या, हम गिनाने के मत जो 108 काम है, BLO का काम है, जल वाला काम है, विद्युत वाला काम है। थोड़ा धीरे बोलिए, BLO क्या? BLO में क्या करते हैं? BLO में भैया हम लोग जो नए मतदाता है उनको सूची में जोड़ते हैं, जो मर गए उनको निकालते हैं, जो नए आ गए उनको भरते हैं, ठीक है, उनको उसके। ऐसा तो नहीं कि जन्म से लेकर मृत्यु? नहीं नहीं भाई, जो वोटर का, जो वोटर की क्वालिफिकेशन है 18 साल के बाद ही ना वोटर बनता। आपने अभी कहा ना कि जो नए लोग हैं उन्हें हम जोड़ते हैं, जो डेथ कर गए उन्हें हम बाहर भी करते हैं, तो जन्म से मृत्यु तक? नहीं नहीं, तो नए वोटर का मतलब क्या होता है, जो 18 साल के बाद होगा वही नया में हमारे लिस्ट में आएगा ना, 18 साल के बाद जो होगा वही वोटर बनता है, आपको पता है, 18 साल के बाद ही वोट दे सकते हैं। तो जो नए लड़के वोटर बनते हैं उनका हम अपने में उसमें पंजीकरण करते हैं, फार्म भरते हैं, फार्म 6 भरते हैं, वो आते हैं, फिर वो वोटर बनते हैं तो वोट डालते हैं, और जो मृत्यु हो जाती है तो उनको निकालते हैं। इस तरह से मतलब पूरे वो सूची का पुनरीक्षण करते हैं हम, घर घर जा करके सत्यापन करते हैं। कई घंटे वर्किंग हो जाती है? वर्किंग का कोई ठीक नहीं है भैया, मान लीजिए आज मतलब सुबह सूर्य देव हुए अस्त होने तक। हाँ, काम तो
दिन भर करते रहते हैं, माइंड मेकअप तो 24 घंटा होता रहता है। जल जल की बात आपने की, जल जल से रिलेटेड क्या क्या है कि आजकल जल निगम वाले आप जल निगम वाले आजकल हमारे गांव में आते हैं और वो सबको गांव की महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करवाते हैं हम लोगों के द्वारा, और हेलो दीदी हैं उनके साथ भी हम लोगों को जोड़ दिए हैं। ठीक है, जल हो गया। इसके अलावा और क्या जो सरकार की योजना है जिसमें आप भाग? मलेरिया है, संचारी योजना, मलेरिया है, फाइलेरिया है, कुपोषण। और ये बच्चे को पढ़ाने का हो गया, 3 से 6 वर्ष गर्भवती महिला हो गया, जल से हो गया, बीएलओ का हो गया, और इसके अलावा टीकाकरण है, टीकाकरण आशा के साथ फाइलेरिया में ड्यूटी करते हैं। और मैम बोल रही 108 काम तक है हमारे, तो कुछ और काम प्रमुख काम बताइए जो जनता को डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, जो जनता को मांग। अरे यार, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, उसका भी सत्यापन, सुकन्या योजना जो चली है उसके बारे में कर। सुकन्या योजना में आप क्या जागरूक करते हैं? जी, मातृवंदन योजना जो अभी अभी पीएम मोदी जी ने लागू किया है, वो आंगनवाड़ियों को भरना है, आंगनवाड़ी को भरना है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके टीकाकरण, बच्चे के पैदा होने से टीकाकरण जब पूरा हो जाता है तो 2000 मिलेगा, जब बच्चा कक्षा 1 में जाएगा तो 3000 मिलेगा, जब बच्चा कक्षा 5 में जाएगा तो 5000 मिलेगा। ये सारी किसको मिलेगा? बच्चे को मिलेगा, जो बच्चे को मिलेगा, जो मातृवंदन योजना है। तो क्या डायरेक्ट बच्चे खाते में? हाँ, बच्चे की माता के, माता के खाते में, बच्चे के माता के खाते में जाता है, तो ये हाँ माँ के खाते में जाता है। तो ये बताइए, ये सारी चीजें, इतने सारे काम, कुपोषण भगाना हमारा ही काम है, इतने सारे काम योगी सरकार, मोदी सरकार हमको देती है, सेक्रेटरी के सारे काम, लेखपाल के सारे काम हम, क्या लेखपाल? हाँ, सेक्रेटरी के सारे काम, लेखपाल के सारे काम हमको दे दिए जाते। लेखपाल का काम है, बीएलओ का काम जो हमको दे दिया जाता है, हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। सेक्रेटरी आपको तो सीधा फिर थानेदार ना बना दिया जाए, जब इतना काम दे दे रहे हैं। थानेदार बना इसके बाद भी तो क्षेत्राधिकार मिल जाएगा भाई, इसके बाद भी तो हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ से मिलेगा भैया? हमको तो हमारा ही अधिकार नहीं मिल रहा है, दूसरे के परिवार का कुपोषण भगाते भगाते हमारी आंगनवाड़ी बहने खुद कुपोषण हो गई, हमारे बच्चे खुद कुपोषण हो गए, और सरकार ने हमको बैसाखी लेके चलना तो सिखा ही दिया था। हम 1995 से हम लोग बैसाखी तो लेके चल ही रहे थे, विकलांग तो हमको कर ही दिया था, लेकिन अब ECC एजुकेटर की भर्ती करके सरकार हमको, ECC एजुकेटर की भर्ती करके सरकार हमको व्हील चेयर पे बिठा देना चाहती है, जो कि हम किसी काम के न रह जाएं, ना घर के ना घर, जीवन बिता दिया। और इसके एक चीज आपसे पूछना था, हो सकता है सरकार की इस योजना में मंशा हो कि जो ये बच्चे हैं जिन्हें आंगनवाड़ी दीदी पढ़ाती हैं, जो हम डायरेक्ट भर्ती करें तो उससे कुछ एजुकेशन व्यवस्था सुधरे, बच्चों का और मानसिक विकास हो। भैया, हमारी आंगनवाड़ी बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें इंटर BA BSc BEd की हुई हैं, MSc की हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी आप लोग कह रहे हैं कि इस भर्ती को रोक दिया जाए। यदि हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो आपको इस भर्ती में अवसर दे दिया जाए? नहीं नहीं, हमको इस भर्ती में ऑप्शन नहीं चाहिए। इस भर्ती को रद्द करें, और जो वो 10,313 रुपए एजुकेटर को देने के लिए तैयारी की है वो हमारे मानदेय में लागू करें, और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दें, नहीं तो 10,300 से राज्य कर्मचारी कहाँ से हो जाएंगे? अरे हमारा 6,000 है, 10,313 रुपए ये देंगे जो उनको दे रहे हैं, और इसके बाद जो अगर बचता है हमारा राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। राज्य कर्मचारी हैं अभी आप? नहीं, अरे हम तो संविदा, दुख की बात तो यही है, किसी श्रेणी में नहीं आते भैया। जब हम निर्वाचन का काम करते हैं तो हम ADM City से बात करने गए, बोले कि तुमको करना ही होगा BLO का काम। हम कहे सर, हमारे विभाग से ही ऑर्डर आया है कि कोई अन्य विभाग आंगनबाड़ी काम नहीं करेगी, हम अपना ICDS का ही काम नहीं कर पा रहे, बाधित हो रहा नहीं कर पा, बोले करना पड़ेगा। हम कहे आप बता दीजिए हम किस श्रेणी में आते हैं, ना तो संविदा में आते हैं, ना कुशल श्रमिक में आते हैं, ना किसी में, मतलब किसी कर्मचारी में भी नहीं आते हैं, हम सोशल वर्कर में भी नहीं आते हैं, कि मतलब कोई मानदेय चाहे कोई कुछ नहीं है, बस एक है कि वॉलंटियर हैं, हम समाज के वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो सर हम क्यों करें, इतना महत्वपूर्ण काम निर्वाचन का है, तो आप अगर किसी से करवा लीजिए, कर रहे हैं नहीं, तुम ऑथराइज हो इसके लिए, आप बताइए किस जगह पे हम ऑथराइज हैं, क्या अधिकार है हमारे पास, कुछ तो नहीं है, तो निर्वाचन का काम हमसे क्यों?
करवाते हैं क्या निर्वाचन के काम करने के लिए? और क्या निर्वाचन का जो हमारी बात सुनी, जो निर्वाचन का कार्य आप करते हैं तो क्या इसका प्रावधान है कि आप ये काम नहीं करेंगे या करेंगे? हमारे विभाग से ये लेटर जारी हुआ, बकायदे हमारे विभाग ने लेटर जारी किया कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अदर कोई काम नहीं करेंगे, अपने विभाग का आईसीडीएस की जो 6 सेवाएं हैं इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं कर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पाए। प्रमुख 6 सेवाएं? हाँ प्रमुख, जो 6 सेवाएं आईसीडीएस को वही हमको करना है, इसके अलावा कोई विभाग का काम नहीं करना। फिर भी अन्य विभाग वाले, स्वास्थ्य विभाग वाले, निर्वाचन वाले दबाव बना के हमसे काम करवाते हैं, तो हम कहते हैं हमारे विभाग आपका संगठन नहीं काम करता। आप बताते हैं 3.5 से 4 लाख आपकी संख्या वाले, हाँ तो एक जिले में एक डीएम, 75 जिले हैं यदि उत्तर प्रदेश में तो 75 डीएम है, कहाँ 75 कहाँ 4.5 लाख। हाँ तो हम लोग सोच रहे थे 6,000 में जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हम लोग ये सोच रहे थे कि चलिए हमारे साथ जो सरकार कर रही है अभी करेगी। ये गोरखपुर मंच से योगी जी ने संबोधन छोड़िए, एजुकेटर जो भर्ती हो रही है तो खाली जगह उससे क्यों नहीं लाया जा रहा है? मान जैसे वहाँ अभी सुपरवाइजर की जगह इतनी खाली है, इतनी आंगनबाड़ी दैत कर गई, कितनी नौकरी छोड़ चुकी है, तो उनको लाया जाए ना, उस खाली जगह पे लोगों को लाया जाए। एजुकेटर एक चीज, जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है, जैसे अभी हमने इनसे भी प्रश्न किया कि हो सकता है एजुकेशन व्यवस्था बेहतर करनी हो, आप भी रुकिए तो यदि बेहतर करनी है तो इसमें जैसे हमने दूसरा एक ऑप्शन बोला कि इसमें आपको डायरेक्ट मौका दे दे गवर्नमेंट, ये भी नहीं चाहते आप। अच्छा रद्द क्यों करना चाहते हैं? हम रद्द इसलिए करना चाह रहे हैं कि अगर हम 6 सेवाएं दे रहे हैं और एक सेवा के लिए अगर एजुकेटर भर्ती हो रही है तो वो एक सेवा देगा और 4 घंटा आके चला जाएगा, और हम सुबह से शाम तक कुछ नहीं मान लीजिए आंगनबाड़ी करती हैं तो उनके परिवार के लोग भी काम करते हैं, हमारे पूरा परिवार लगा रहता है सुबह से शाम तक इस नौकरी में। इसमें एक चीज आ रही है, समान कार्य समान वेतन की बात हो गई जो आप कह रहे हो, कंपेयर करें। हाँ, तो जगह खाली है उस जगह पे ना नए लोगों की भर्ती की जाए, जिस जगह को हम खुद ऑलरेडी 20 साल से 19 साल से कर रहा है, उसमें एक सेवा के लिए क्यों लाया जा रहा है? हम कर रहे हैं एक सेवा के लिए क्यों लाया जा रहा है, जब हम 6 सेवा कर रहे हैं और एक सेवा के लिए 4 घंटे के लिए किसी को नए को ला रहे हैं तो हमें दर्द नहीं होगा? हमारा परिवार नहीं है भाई, हमारा परिवार है तो वो तो हमारे पेट पे लात मारने वाली बात हो गई ना कि एक बच्चे। अच्छा आने से पहले आपने यूपी प्रशासन शासन को नोटिस दिया होगा, अवगत कराया? बिल्कुल, अभी तो हम यहाँ है ना। कब तक था? 29 तारीख को ही हमने गोरखपुर में धरना किया था, तो अल्टीमेटम दे दिया था कि 15 दिन में अगर कोई। अच्छा गोरखपुर से आप आ रहे हैं? हाँ, तो अल्टीमेटम दिया गया था अगर राज्य सरकार 15 दिन के अंदर कोई भी नहीं ऐसा सुझाव नहीं देती है, हम कदम नहीं उठाती है तो हम लोग फिर से धरना करने मजबूर हो जाएंगे, तो फिर 2 दिवसीय धरना हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं सुनेगी तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। अच्छा एक चीज, आप धरना पे आए हैं और आप जो बच्चा गर्भ में माँ के होता है उसका ध्यान रखती, तो उस बच्चे का तो हमारा ध्यान जब वो नहीं रख रहे तो हम किसका ध्यान रखें? मतलब अधिकारों का तो हमारे जिंदगी का हनन हो रहा है तो हम दूसरे का अधिकार। अच्छा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछना है, अभी यहाँ पे हमने कई महिलाओं से बात किया तो उन्होंने कई राज्यों का नाम बताया जहाँ पे बताया 10 से 12 हजार रुपए आंगनवाड़ी दीदी को मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे। भैया यूपी में बस 6,000 मिलता है, बिहार में 6,000 मिलता है, बाकी बगल में मध्य प्रदेश में जाइए 13,000 मिलता है, राजस्थान मध्य प्रदेश में 13,000 बीजेपी के जरीवाल खुद 10,000 दिल्ली में देते हैं, लेकिन बस यूपी में और बिहार में ये स्थिति है 6,000 की बस। भैया समान है और वेतन अलग, प्रधानमंत्री यूपी से बनता है, यूपी गरीब। हाँ और क्या, प्रधानमंत्री यूपी से नहीं है, वो मुख्यमंत्री यूपी से है, प्रधानमंत्री बनारस सीट है। हाँ ठीक है, तो प्रधानमंत्री यूपी से है लेकिन वो तो पूरे भारत को 4,500 रुपया देते हैं तो वो तो एक बराबर देते हैं, लेकिन और जो राज्य की सरकारें हैं अलग अलग, वो अलग अलग मान दे देती हैं हर जगह। तो क्या आपके में राज्य सरकार कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रही है क्या? 45 कुछ नहीं, 4,500 केंद्र सरकार देती है और ये 1,500 ये देते हैं राज्य सरकार, बस वो भी कंडीशन लागू किए हैं कि मोबाइल से काम अगर 100% हम नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा PLI। मोबाइल से काम मतलब पोषण ऐप पे अब काम करते हैं ना, केवल रजिस्टर पे नहीं, हम ऑनलाइन पोर्टल डिजिटल इंडिया में आ गए ना, डिजिटल करेंसी आ गई, तो डिजिटल करेंसी तो पैसा भी आना चाहिए डिजिटल। ये बात फोन पे
ही भेज दे, हमको नोट नहीं चाहिए, फोन पे पे ही भेजे ना वो भी। हम कहा कर रहे हैं कि हमको नोट दे, हमको फोन पे पे ही दे दे। डिजिटल दोनों तो कर रहा है, डिजिटल कर रहे हैं लेकिन हमारी इज्जत सम्मान तो नहीं ना बढ़ रहा है भैया। तो क्या मतलब क्या बता रही थी हम सर? यही कह रहे हैं कि बीएलओ वाला जो काम है, जो तहसील का काम है, ऑनलाइन जो काम करते हैं, हम लोग तो फार्म वार्म भर कर दे देते थे पहले तो हो जाता था, अब वही लोग हम लोगों को काम सौंप दे सौंप दिए हैं। हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम कर रहे हैं। बताए केंद्र से निकले एक घंटा गृह भ्रमण करें, ठीक सर, ये केंद्र सैनिक से तो एक घंटा गृह भ्रमण करे, उसके बाद घर घर देखिए हम लोग सत्यापन किए हैं, निर्वाचन आयोग क्या आंगनबाड़ी को काम दिए हैं, अधिकारियों को काम दिए हैं, हैं? उसके बाद सर तो ये क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है? सर हम लोग पीड़ित बहुत हैं, हम लोग 6,000 रुपये में, आप ही बताइए सर 6,000 रुपये में कैसे इस महंगाई में हम लोग कैसे। अच्छा, तनख्वाह टाइम पे आता है? नहीं 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 सर। कितने समय? दो महीने तीन महीने पे आता है सर। 2 से 3 महीने? हाँ सर। समय तब तक कैसे खर्चा चलाते सर? क्या बताएं, वही मजबूरी है ना, आज मजबूरी नहीं रहती तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, परिवार छोड़ बताएं हमारे बच्चे। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन आप लोग की मांगते हैं इसमें? सर यही जो एजुकेटर की भर्ती है, इंटर तक, इंटर, हाँ इंटर तक, बीए एमए सब कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं सर। मतलब बच्चों से आपको बड़ा लगाव हो गया, बच्चों को छोड़ के दूर नहीं जाते? नहीं, बच्चों को हम संभालेंगे लेकिन सर हमारी मानदेय जो है, हमारी जो मानदेय हमारी है उसको बढ़ोतरी किया जाए, 18,000 हमारे लोगों की मानदेय है। 18,000 जी लिख भी रखा है? हाँ ठीक सर, ठीक। लेकिन आपने जो विषय लिख रखा है वो एजुकेटर वाला है? ये एजुकेटर धरना का कारण, अब हम लोग वो काम तो कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन एजुकेटर, एजुकेटर की भर्ती निकाल कर सर तो बताइए कि हम लोगों को सरकार कहाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एजुकेटर की भर्ती जो निकाली है सर है? अच्छा ये बताइए अभी आप कहाँ रहेंगे? 5 बजने वाला है, ठीक है, यहाँ आप रह नहीं पाएंगे जब तक कोई आदेश नहीं आ जाएगा, कोई अधिकारी नहीं। ये इको गार्डन है, 5 बजे के बाद यहाँ रुकने नहीं दिया, आप ज्यादा से ज्यादा 8-8.30 जगह रहेंगे? आदेश मिला है आपको? हम लोग रहेंगे सर इस जगह, आदेश शासन रहने नहीं देता। अरे नहीं रहेंगे, 1,500 रुपए है जेब में कि नहीं? अब तो नहीं है सर, क्या करें, क्या करेंगे? 1,000 रुपया तो हम लोगों का भाड़ा लग गया, 1,000 रुपया तो हम लोग भाड़ा लगा कर आए हैं। मैं सर आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, रानी सरा ब्लॉक, बताइए वहाँ से 1,000 रुपया भाड़ा लगा कर आए हैं तो बताए सर क्या आपका? आपका यदि देखा जाए तो 2 दिन रुकेंगे तो 15 दिन का आपका जो तनख्वाह है 2,500-3,000 तो चला जाएगा, अब बढ़ जाएगा तो बल्ले बल्ले। अरे वही तो कह रहे हैं, योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महाराज योगी जी से टीम मिलने गए, योगी योगी जी से टीम आपकी कल हमारी मुलाकात होगी सर, होगी कल हम लोग इसी तरह। अच्छा, प्रदेश में 27 से सरकार है, आपने मध्य प्रदेश का एग्जांपल दिया, राजस्थान का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे इतना है, दिल्ली जो अपनी राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल 10,000 रुपये देते, मतलब 4,500 ये 5,500 अरविंद केजरीवाल सरकार देती होगी, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, सरकार क्या चीज़ें समझ